वैज्ञानिकों को यकीन है कि हाल ही में एलियन लाइफ की खोज JWST द्वारा K2-18b पर कर ली गई है। दशकों से मानवता के सामने जो सबसे बड़ा सवाल था, उसका जवाब क्या अंततः किसी दूसरे प्लैनेट में मिल गया है? सदियों से हम ये सोचते आए हैं कि क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप शायद हमें वो जवाब दे चुका है और इस खोज ने सारी साइंटिफिक कम्युनिटी में हलचल मचा दी है। JWST ने एक्सोप्लैनेट K2-18b के एटमॉस्फेयर में ऐसे केमिकल सिग्नल्स पाए हैं जो हमारी अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स द्वारा क्रिएट होने वाले सिग्नल्स से काफी ज्यादा मिलते जुलते हैं। इस कॉस्मिक कहानी का हीरो है एक मॉलिक्यूल जिसका नाम डाइमिथाइल सल्फाइड या DMS है। हमारे प्लैनेट पर यह कंपाउंड लगभग पूरी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म्स द्वारा ही जनरेट होता है, खासकर समुद्र की सरफेस के पास तैरने वाले माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन द्वारा। जब JWST के सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स ने K2-18b के एटमॉस्फेयर में DMS के जैसे स्पेशल सिग्नेचर्स को कैच किया तो वैज्ञानिक हक्के बक्के रह गए। ये कोई नॉर्मल केमिकल डिस्कवरी नहीं थी, ये संभवतः एक एलियन लाइफ का फिंगरप्रिंट हो सकती थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। टेलीस्कोप ने डाइमिथाइल सल्फाइड और कार्बन से मिले हुए कई मॉलिक्यूल्स भी पहचाने जिसमें मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल हैं। ये सभी कंपाउंड मिलकर एक ऐसी तस्वीर बना रहे हैं कि एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट्स के पास तारीफ के लिए शब्द ही नहीं है। इन बायोसिग्नेचर्स की सघनता सिर्फ अर्थ के जैसी नहीं है बल्कि ये अर्थ से हजारों गुना ज्यादा है, जो ये संकेत है कि वहाँ बायोलॉजिकल एक्टिविटी का लेवल हमारी अर्थ के ओशन से कहीं ज्यादा हो सकता है। इस खोज को इतना रोमांचक बनाने वाली चीज DMS का खास नेचर है, मीथेन या ऑक्सीजन से अलग, जिन्हें बायोलॉजिकल और नॉन बायोलॉजिकल दोनों प्रोसेस से बनाया जा सकता है। DMS को बनाने के लिए नॉन बायोलॉजिकल रास्ते बहुत कम हैं। अर्थ पर यह तब बनता है जब सी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक कंपाउंड को, जिसे DMSP कहते हैं, अपने मेटाबॉलिक प्रोसेस के तहत तोड़ते हैं। जब साइंटिस्ट्स हमारे एटमॉस्फेयर में DMS का पता लगाते हैं तो असल में वो ओशन लाइफ की नब्स को पकड़ रहे होते हैं, और जिस टेक्निकल अचीवमेंट ने इस खोज को संभव बनाया उसे कम नहीं आंका जा सकता। JWST ह्यूमन इंजीनियरिंग और नई टेक्नोलॉजी के पीक पर पहुंचने का सिग्नल है जिसकी कैपेसिटीज कुछ दशकों पहले तक साइंस फिक्शन के जैसी लगती थी। इसके नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ और मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट ने इसे K2-18b के एटमॉस्फेयर से गुजरने वाली लाइट का एनालिसिस करने में केपेबल बनाया जब ये अपने स्टार के सामने से गुजर रहा था। जब ये लाइट प्लैनेट्स के एटमॉस्फेरिक गैसेस से फिल्टर होकर निकली तो कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब हो गई, जिससे एक केमिकल फिंगरप्रिंट बना जिसे वैज्ञानिकों ने डीकोड किया। जब डेटा पहली बार आया तो रिसर्चर्स ने अपनी डिस्कवरी को बार बार टेस्ट और चेक किया। DMS की स्पेक्ट्रल लाइंस बिल्कुल साफ थीं, फिर भी इतनी अजीब थी कि सावधानी रखना ही सही था, क्योंकि असाधारण खोज के लिए असाधारण सबूत जरूरी होते हैं और टीम पूरी तरह से श्योर होना चाहती थी। इसे स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस कहा जाता है। खोज की ये प्रक्रिया 3 सिग्मा लेवल के स्केल पर हुई, जिसका मतलब है कि सिर्फ 3% संभावना है कि ये सिग्नल एक संयोग हो या फिर कोई दूसरी आवाज हो। लेकिन इस प्रभावशाली प्रक्रिया के बावजूद फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में गोल्डन स्टैंडर्ड 5 सिग्मा का होता है, यानी गलती की संभावना 3.5 मिलियन में एक हो। और यही वो सीमा है जिसे विज्ञान में किसी खोज की अंतिम घोषणा करने से पहले जरूरी माना जाता है। वैज्ञानिक समुदाय पर सवाल उठाने वालों को जो बात सबसे इंटरेस्टिंग लग रही है वो है कई एविडेंशियल लाइंस का एक साथ मिलना। सिर्फ DMS की मौजूदगी ही नहीं बल्कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से इम्पोर्टेंट दूसरे मॉलिक्यूल्स का पता लगना, K2-18b का अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में होना जहां लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है, और इस प्लैनेट का संभावित हाइसियन वर्ल्ड के रूप में क्लासिफाई होना भी उनके लिए इंटरेस्टिंग है। ऐसे प्लैनेट्स की खासियत है गहरे समुद्र के ऊपर हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर, यानी ऐसे हालात जिन्हें कुछ साइंटिस्ट लाइफ के लिए बेहद जरूरी मान रहे हैं। यहाँ तक कि आलोचक भी अब इस पर ध्यान दे रहे हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल विषय पर जिन वैज्ञानिकों ने काफी काम किया है वो भी ये मान रहे हैं कि ये खोज एक ऐसी लाइफ के सबसे मजबूत सबूत हैं जो शायद धरती से काफी दूर है। लेकिन चीजें कंफर्म करने के लिए और ज्यादा ऑब्जर्वेशंस जरूरी हैं। इसीलिए नई खोज की घोषणा करने से पहले कॉन्फ्रेंस हॉल और वर्चुअल मीटिंग्स में बेचैनी और उत्साह है, और ये बहुत गहरी और बड़ी बात है।
मानव सभ्यता की शुरुआत से ही हम सितारों को देखकर ये सोचते आए हैं कि क्या कोई और या कुछ और हमें भी देख रहा है। इन बायोसिग्नेचर्स की खोज अभी तक एक एलियन लाइफ को पूरी तरह पुख्ता नहीं करती, लेकिन ये हमें उस जवाब के और पास ले आती है जितना हम पहले कभी नहीं पहुँचे थे। यूनिवर्स में शायद हम अकेले नहीं हैं और पूरे ब्रह्मांड में शायद दो जगहों पर नए जीवन के मिलने का चमत्कार हो सकता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि K2-18b कोई एबनॉर्मल खगोलीय घटना नहीं है। एस्ट्रोनॉमर सब मानते हैं कि उनका हमारी गैलेक्सी में होना सामान्य सी बात है। अगर वहाँ कोई लाइफ क्रिएट हुई है तो शायद दूसरी कई जगहों पर भी क्रिएट हुई हो सकती है। इस डाइवर्स बायोस्फीयर में हमारा मिल्की वे नई खोजों का इंतजार कर रहा है। K2-18b पर जीवन खोजने के सबूतों में सिर्फ केमिकल सिग्नल्स की खोज से अलग कुछ और भी चीजें हैं। अब ये जानने की दिलचस्पी है कि एलियन लाइफस्टाइल या इनकी बायो लाइफ कैसी हो सकती है उन एटमॉस्फेयर में जो अर्थ से काफी अलग हैं। K2-18b की खोज को वैज्ञानिक हाइसियन वर्ल्ड कहते हैं, यानी एक ऐसा प्लैनेट जिसमें हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर पूरी तरह से पानी की दुनिया को ढके हुए है, शायद इतने बड़े ओशन के साथ जो पूरी धरती की सरफेस को कवर करते हैं। ये एक ऐसी परिस्थिति है जो हमारे लिए नहीं बल्कि एक खास तरह की लाइफस्टाइल के लिए एकदम उपयुक्त है। अगर JWST द्वारा खोजे गए माइक्रो सिग्नेचर्स सच में ऑर्गेनिजम्स द्वारा बनाए गए हैं तो ये ऑर्गेनिजम्स ऐसे वातावरण से काफी हैबिचुअल होंगे जिन्हें हम बड़ी मुश्किल से समझ पाते हैं। अर्थ के लगभग 8.9 गुना मास और 2.6 गुना रेडियस के साथ K2-18b पर ग्रेविटेशनल फोर्स और प्रेशर्स की जो कंडीशन होंगी वो अर्थ के ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स को कुचल देंगी। फिर भी जैसा कि हमने अर्थ के सबसे पीक एटमॉस्फेयर में देखा है, लाइफ के पास समय के साथ इवॉल्व करने का बड़ा गजब का तरीका होता है। ये एलियन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स धरती के एक्सट्रीमोफाइल्स जैसे हो सकते हैं, यानी सबसे नामुमकिन वातावरण में जिंदा रहने लायक। धरती पर कुछ एक्सट्रीमोफाइल्स हाइड्रोथर्मल वेंट्स में जिंदा है जहाँ तापमान 250 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज्यादा होता है, जबकि कुछ बहुत ज्यादा अम्लीय वातावरण में पनपते हैं या इतनी हार्श रेडिएशन सह लेते हैं जो इंसानों को हजारों बार मार डाले। K2-18b पर हाई प्रेशर और हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर में जीवन की संभावनाएं बनी हैं, जिसका धरती पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, लेकिन ये हमारे एक्सट्रीमोफाइल्स को कमजोर कर सकती है। K2-18b पर मेटाबॉलिक प्रोसीजर्स भी अनयूजुअल और एबनॉर्मल हो सकती है। अर्थ पर ज्यादातर लाइफ फोटोसिंथेसिस या केमिकल सिंथेसिस पर डिपेंड करती है। सनलाइट या केमिकल एनर्जी का यूज करके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं, लेकिन K2-18b के ओशन की गहराइयों में लाइफ शायद पूरी तरह से डिफरेंट एनर्जी सोर्सेस का इस्तेमाल करती हो। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वहाँ के ऑर्गेनिजम्स ने वातावरण में मौजूद हाइड्रोजन का भरपूर इस्तेमाल करना सीख लिया होगा, जिससे वे डिसॉल्व होकर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर एनर्जी बनाते होंगे और DMS को एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकालते होंगे। सबसे आश्चर्य इस बात का है कि ये प्रोसेस किस लेवल पर हो रही होगी, क्योंकि डाइमिथाइल सल्फाइड के जो लेवल्स पाए गए हैं वो धरती के ओशन के कंपैरिजन में हजारों गुना ज्यादा बताए जा रहे हैं। ये इशारा करता है कि वहाँ पर लाइफ बहुत बड़े पैमाने पर एक्टिव है, शायद पूरे प्लैनेट पर फैला हुआ एक इकोसिस्टम जहाँ लाइफ कुछ स्पेशल एरियाज तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि लार्ज ओशन एरियाज में बड़े पैमाने में फैली हुई है। अगर आप K2-18b के क्लाउड्स के नीचे डाइव करें और उसके एलियन ओशंस पर छानबीन करें तो वहाँ आपको मिलेगा सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम या शायद मछलियों जैसे एलियन ऑर्गेनिजम्स जो ओशन की गहराइयों में तैरते हों। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। इन बायोसिग्नेचर्स की प्रचुरता एक और रोमांचक संभावना को जन्म देती है। क्या K2-18b पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर लाइफ पॉसिबल हो सकती है? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि पहली कंफर्म्ड एलियन लाइफ माइक्रोबियल के फॉर्म में मिलेगी, लेकिन K2-18b का स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन से भरा रिच एटमॉस्फेयर स्टार रेडिएशन से बेहतरीन प्रोटेक्शन देता है। धरती पर मल्टी सेलुलर लाइफ को डेवलप होने में बिलियंस ऑफ ईयर्स लगे, लेकिन K2-18b पर अगर अलग एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एनवायरनमेंट रहे हों तो वहाँ का एवोल्यूशन एक बिल्कुल अलग तरीके से हो सकता है।
इमेजिन कीजिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिन्होंने ओशन की अलग अलग गहराइयों में तैरने के लिए गैस ब्लैडर डेवलप कर लिए हों, या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो डायरेक्ट हाइड्रोजन सैचुरेटेड वाटर से एनर्जी प्राप्त करते हों, या फिर कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स जो ओशन और एटमॉस्फेयर की सरफेस पर बड़े पैमाने पर तैरते हुए लंबी शीट जैसे स्ट्रक्चर्स बनाते हों और अर्थ के जैसी ग्रेविटी या खतरनाक अल्ट्रा वायलेट रेज जैसी लिमिटेशंस ना हो। ये भी पॉसिबल है कि वहाँ एवोल्यूशन में जीवन शायद नए तरीके से बना हो। JWST की खोज ये बताती है कि K2-18b पर लाइफ लिमिटेड नहीं है, बल्कि खूब फल फूल रही है और हमारे रहने लायक वातावरण की समझ को पूरी तरह से चैलेंज करती है। सदियों तक वैज्ञानिकों ने अर्थ 2 को खोजने पर ध्यान दिया, एक ऐसा पथरीला प्लैनेट जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर हो और वो सन जैसे स्टार के इर्द गिर्द रेडियस पर घूम रहा हो। लेकिन K2-18b इस थियरी को पूरी तरह से खत्म कर देता है और ये दिखाता है कि लाइफ उन कंडीशंस में भी पनप सकती है जिन्हें हम पहले दुश्मन मानते थे। और ग्लोबल ओशनिक टेम्परेचर में गजब की स्टेबिलिटी देता है। ये कंडीशंस एक्चुअल में K2-18b जैसे प्लैनेट को लाइफ के क्रिएशन और लंबे समय तक टिके रहने के लिए अर्थ जैसे प्लैनेट से भी ज्यादा केपेबल बना सकती है। कुछ एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट तो मानते हैं कि K2-18b जैसे हाइसियन वर्ल्ड शायद यूनिवर्स में लाइफ के सबसे कॉमन निवास हों। अगर ये कंफर्म हो जाता है तो K2-18b पर बायोलॉजिकल एक्टिविटी लाइफ के एक दूसरे उद्गम को दर्शाएगी। दूसरा डेटा पॉइंट जो एस्ट्रोबायोलॉजी को एक इमेजिनरी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से एक प्रैक्टिकल साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में बदल देगा। अर्थ और K2-18b में जीवन की समानताओं और विभिन्नताओं को समझकर वैज्ञानिक ये पता लगाना शुरू कर सकते हैं कि लाइफ के लिए कौन सी जरूरतें यूनिवर्सल हैं और कौन सी सिर्फ अर्थ की एवोल्यूशन जर्नी में बनी है। ये संभव है कि एवोल्यूशन सिर्फ 124 लाइट ईयर्स की दूरी पर दो बार हुआ हो, जो यूनिवर्स के हिसाब से एक मामूली दूरी है। ये संकेत देती है कि लाइफ का होना शायद हमारी गैलेक्सी में भी कॉमन हो सकता है। अगर दो पास के सितारों के पास एक पोटेंशियल लाइफ होल्डर प्लैनेट मौजूद है तो मिल्की वे में अनगिनत बायोस्फीयर हो सकते हैं जो अपने प्लैनेट की विशेष परिस्थितियों के हिसाब से ढले होंगे, जिन्हें हम सिर्फ इमेजिन ही कर पा रहे हैं। यकीनन K2-18b पर संभव बायोस्फीयर की खोज मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना साबित हो सकती है, जो ये साबित कर सकती है कि यूनिवर्स में अर्थ ही अकेला प्लैनेट नहीं है जहां लाइफ मौजूद है। और ये समझ हमारी सोच को पूरी तरह से बदल देती है। लाइफ क्या है से लाइफ का होना कितना है तक, और इसकी गणना चौंकाने वाली होगी। सदियों से वैज्ञानिक ड्रेक इक्वेशन का इस्तेमाल ये पता लगाने के लिए करते रहे हैं कि हमारी गैलेक्सी में कितनी सिविलाइजेशंस हो सकती हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट फैक्टर वो रेशियो कि कितने केपेबल प्लैनेट्स वास्तव में लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं, ये अभी तक सिर्फ एक अनुमान ही रहा है। अगर हमें पहले ही एक्सोप्लैनेट पर लाइफ मिल जाए जिसका हमने गहराई से अध्ययन किया है, तो इसका मतलब ये होगा कि जब कंडीशंस फेवरेबल होंगी तो लाइफ इजीली ओरिजिनेट हो सकती है। संभवतः इस रेशियो को 1:0 के करीब लाया जा सकता है। अब इस यूनिवर्सल मैथ को समझिए। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि सिर्फ मिल्की वे में ही रफली 40 बिलियन अर्थ जैसे साइज के प्लैनेट सन जैसे स्टार्स और रेड ड्वार्फ्स की प्रॉक्सिमिटी में मौजूद हैं। अगर K2-18b में सचमुच जीवन संभव है और ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोइंसिडेंस नहीं है बल्कि जीवन की समानता का संकेत है, तो हमारी गैलेक्सी में ही बिलियंस ऑफ प्लैनेट्स पर बायोस्फीयर हो सकते हैं। यूनिवर्स जो कभी वीरान समझा जाता था, असल में एक फर्टाइल लैंड हो सकता है जहां जीवन अपवाद नहीं बल्कि जरूरत हो। इन निष्कर्षों की पुष्टि एक बड़ा कदम माना जा रहा है। वैज्ञानिक अब JWST के इंस्ट्रूमेंट के जरिए एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन के प्लान्स बना रहे हैं ताकि 5 सिग्मा के भरोसे के लेवल तक पहुंचा जा सके, जो इन डिस्कवरीज को स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स से साइंटिफिक कॉन्सेप्ट में बदल देगा। इसके लिए ज्यादा टाइम तक ऑब्जर्वेशन और डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स का यूज किया जाएगा ताकि केमिकल सिग्नल्स के दूसरे पॉसिबल रीजंस को नलीफाई किया जा सके। JWST से आगे नेक्स्ट जनरेशन के टेलीस्कोप जैसे हैबिटेबल वर्ल्ड्स ऑब्जर्वेटरी, जो इस समय डेवलपमेंटल स्टेज में है, हमें एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर की और इन डेप्थ स्टडी करने में केपेबल बनाएगा। ये फ्यूचर की लैबोरेटरीज शायद और भी बायोसिग्नेचर्स को आइडेंटिफाई करने में केपेबल होंगी और शायद उन प्लैनेट्स पर हो रही कुछ स्पेशल मेटाबॉलिक प्रोसीजर्स की पहचान भी कर सकेंगी, जैसे K2-18b पर। ये डिस्कवरी
इस आइडिया को भी बदल देती है कि हमें लाइफ की तलाश कहां करनी चाहिए। अब फोकस सिर्फ अर्थ जैसे प्लैनेट से हटकर एक वास्ट कैटेगरी की ओर बढ़ रहा है, जिसमें हाइसियन वर्ल्ड भी शामिल है, जिससे हमारी गैलेक्सी में रेजिडेंशियल संख्या कई गुना बढ़ सकती है। एस्ट्रोनॉमर्स ने पहले ही दर्जनों ऐसे प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है जो हमारी प्रेजेंट टेक्निक की रेंज में है, और अब ये सब आगे स्टडीज के लिए पॉसिबल टारगेट्स बन चुके हैं। यकीनन इस डिस्कवरी का एक डीप फिलोसॉफिकल इम्पैक्ट है। इंसानों ने सदियों से एलियन लाइफ को इमेजिन किया है, लेकिन हमेशा इस संदेह के साथ कि शायद हम यूनिवर्स में अकेले ही हैं। अगर K2-18b पर लाइफ मौजूद है तो अर्थ के लाइफ का स्पेशल स्टेटस खत्म हो जाता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम यूनिवर्स का सिंगल बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े यूनिवर्सल प्रोसेस का एक पार्ट है जो स्टार के बियॉन्ड कई बार हो चुका है। ये लाइफ की डाइवर्सिटी को लेकर कई जलते सवाल खड़े करता है। अगर बायोलॉजी अर्थ से बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर जैसे K2-18b में पनप सकती है, तो पॉसिबल अडॉप्टेशन, मेटाबॉलिज्म और बायोकेमिस्ट्री की रेंज बहुत ही वास्ट हो जाती है। जीवन शायद किसी और मॉलिक्यूलर बेस पर बना हो, एनर्जी को ऐसे तरीकों से रिसीव करता हो जिनको हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया है, या फिर अपने आप को ऐसे प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग असेंबल करता हो जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन तक का सफर बहुत लंबा है, और इसमें कई एवोल्यूशनरी रुकावटें हो सकती हैं। जीवन का होना सामान्य है, और ये पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि कहीं न कहीं किसी जीवन में इंटेलिजेंस डेवलप हुआ होगा। K2-18b अपनी जबरदस्त ग्रेविटेशनल पावर और वास्ट ओशन के कारण हमारी जैसे टेक्निकल सिविलाइजेशन के लिए शायद एक्यूरेट नहीं है, लेकिन दूसरी दुनिया जहां कंडीशंस एकदम अलग हैं, इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए ज्यादा फेवरेबल हो सकती है। ये खोज हमें विनम्र बनाती है, और ये इशारा करती है कि जीवन के बनने का जादू कोई एक बार हुआ कॉस्मिक एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक रिपीट होने वाली प्रक्रिया है, सही कंडीशंस में केमिस्ट्री का एक नेचुरल रिजल्ट है। अगर हम अपने स्पेशल होने का कोई दावा करते हैं तो वह हमारे बायोलॉजिकल एग्जिस्टेंस में नहीं है, बल्कि जीवन से भरे इस यूनिवर्स में अपनी पोजीशन को समझकर हम जो कुछ करने का डिसीजन लेते हैं उसमें है। जैसे जैसे हम इन रोमांचक खोजों के आगे कंफर्म होने का इंतजार कर रहे हैं, हम एक ऐसे डेलिकेट पॉइंट पर खड़े हैं जो ह्यूमन हिस्ट्री में निर्णायक पल बन सकता है। पहली बार ये जानने के बेहद करीब कि यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं। किसी डिस्टेंट वर्ल्ड के एटमॉस्फेयर में कुछ मॉलिक्यूल्स की ये आसान सी लगने वाली खोज वो मोमेंट बन सकती है जिसे ह्यूमैनिटी और यूनिवर्सल प्रोस्पेक्टिव को हमेशा के लिए बदल देने के लिए याद रखा जाएगा। अगर ये कंक्लूजन्स आगे की एक्सपेरिमेंट्स में टिके रहते हैं तो आने वाली जनरेशन्स इस डिस्कवरी को वो मोमेंट मान सकती है जैसे कोपरनिकस का ये दिखाना कि अर्थ सोलर सिस्टम का सेंटर नहीं है, या डार्विन का ये प्रूव करना कि हम अर्थ के सभी ऑर्गेनिज्म्स के रिश्तेदार हैं। इस नए पर्सपेक्टिव में हम ना तो अकेले हैं, ना ही सेंटर में, बल्कि स्टार्स के पार फैली एक वास्ट बायोलॉजिकल स्टोरी के एक अविभाजित भाग हैं।